कौन है जैन धर्म गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज जिनके लिए पीएम के भी छल के आंसू। महाराज जी के महासमाधि से पूरा देश हुआ भावुक। क्या थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अंतिम शब्द? महासमाधि से पहले दुनिया को सिखा गए जीवन जीने की कला। भक्तों ने नम आंखों से दी महाराज जी को विदाई। जैन धर्म के प्रमुख गुरु जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार की रात छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में महासमाधि ले ली। महाराज जी ने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगृह तीर्थ में आचार्य पद का त्याग करने के बाद 3 दिन का उपवास और मौन धारण कर लिया था। रविवार के दिन यानी कि 18 फरवरी 2024 को उनके अंतिम संस्कार का काम पूरा किया गया। अब एक नज़र आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर डाल लेते हैं। मुनि जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलका गांव में हुआ था। दीक्षा लेने से पहले मुनि जी का नाम विद्यासागर ही था। 22 साल की उम्र में मुनि जी ने अपना घर परिवार त्याग दिया और 30 जून 1968 को राजस्थान के अजमेर में अपने गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा ली। उसके बाद उन्होंने काफी कठोर तपस्या भी की और बताया जाता है कि मुनि जी दिन भर में केवल एक अंजलि पानी पीते थे और खाने में बहुत ही सीमित मात्रा में सादी दाल और रोटी खाते थे। महाराज जी ने पूरे जीवन में नमक, चीनी, फल, हरी सब्जी, दूध, दही, सुख का पूरी तरह से त्याग कर दिया था। यहाँ तक कि अंग्रेजी दवाई, तेल, चटाई, इन सब का भी त्याग कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने थूकने का भी त्याग कर रखा था। आजीवन सांसारिक और भौतिक पदार्थ का त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, मुनि जी का जीवन बहुत ही कठिन था क्योंकि हर मौसम वो बिना चादर, गद्दे, तकिया के सख्त तख्त पर सिर्फ एक करवट लेकर सोया करते थे। पूरे देश का भ्रमण मुनि जी ने पैदल ही किया था। मुनि जी के इस तपस्या को देखते हुए उनके गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने 22 नवंबर 1972 को उन्हें आचार्य का पद सौंपा। वहीं मुनि जी के पिता का नाम श्री मल्लपा था जो बाद में संन्यास लेकर मुनि मल्ला सागर बने थे। उनकी माता का नाम श्रीमंती था जो आगे चलकर सन्यासी बनी। मुनि जी के अलावा उनके भाई अनंतनाथ और शांतिनाथ ने भी आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण किया। अनंतनाथ जी अब मणि योगी सागर जी हैं और शांतिनाथ जी अब मणि स्वयं सागर जी के नाम से जाने जाते हैं। विद्यासागर जी महाराज के पूरे भारत में शायद ही एक ऐसे आचार्य हैं जिनका पूरा परिवार संन्यास ले चुका है। महाराज जी कई भाषाओं में पारंगत थे जिसमें संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी और कन्नड़ भी शामिल है। उन्होंने जैन धर्म और दर्शन का गहन अध्ययन किया था। यहाँ तक कि हिंदी और संस्कृत में कई ग्रंथ भी लिखे। जानकारी के लिए बता दें कि 2023 में छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के राजनांदगांव जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल डोंगरगढ़ का दौरा किया था। यहाँ उन्होंने माँ बलमेश्वरी माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज जी के दर्शन किए थे। पीएम मोदी ने आचार्य जी का चरण छूकर उनसे उनका आशीर्वाद लिया था। महाराज जी के समाधि लेने पर पीएम नरेंद्र मोदी भी भावुक हो गए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज 1983 में सम्मेद शिखर आए थे। यहाँ लगभग 2 महीने तक उन्होंने बिहार के मधुबन में अपना समय व्यतीत किया था। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के अंतिम शब्द जो निकले थे वो केवल ओम था। इतना कहकर उन्होंने महासमाधि ले ली। वहीं महाराज जी के महासमाधि लेने के बाद चंद गृह में उनकी समाधि बनाई जाएगी। महासमाधि के खबर से पूरे जैन समाज में शोक की लहर दौड़ गई।